नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पांच ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ अगले कुछ हफ्तों में। इन म्यूचुअल फंड्स से मैं किसी भी तरह से अफिलिएटेड नहीं हूँ एंड ना ही मैं कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये वीडियो में मैं सिर्फ आपसे अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, जो सही भी हो सकती है और गलत भी, तो इसलिए इसे फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह आप मत देखना। इस वीडियो में मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो इंडिया के होंगे एंड कुछ यूएस के ETFs। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो निफ्टी 50 में एंड इसके बारे में सुन सुनकर थक चुके हो तो ये सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप निफ्टी 50 के बारे में मेरी प्रिडिक्शन सुनना चाहते हो तो आप इस सेक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो निफ्टी 50 को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि निफ्टी 50 पिछले 1.5 साल से साइडवेज मूव कर रहा है, वो भी एक साइक्लिकल पैटर्न में। एंड ये पॉसिबल है कि निफ्टी 50 थोड़ा फ्लैट ही रहेगा कुछ और टाइम तक, बट नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैं इसके रिस्पेक्टेबल रिटर्न्स देने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया अभी एक बुल रन में है एंड निफ्टी 50 ने अपने प्रीवियस पीक को जस्ट टच ही किया है। तो इस पीक से ये अभी डेफिनेटली ऊपर जाएगा एंड एक और न्यू पीक बनाएगा एंड मे बी उस पीक से काफ़ी टाइम तक साइडवेज भी मूव करे। सेकेंडली, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड मैं शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है इंडेक्स के साथ इसको लेकर ज़्यादा नहीं सोचता। निफ्टी 50 मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड आगे भी ऐसा ही रहेगा। बट इतना ज़रूर है कि जब भी निफ्टी 50 मुझे लगता है कि अब डाउनवर्ड मूव कर रहा है या बॉटम आउट कर चुका है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मैं डाउनवर्ड एवरेज कर सकूँ। इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में मेंशन किए गए सभी ETF या म्यूचुअल फंड्स पे इंप्लीमेंट करता हूँ। ये मेरी लिस्ट का सबसे फेवरेट ETF है एंड इसी ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया है। XLK ETF में मेरे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है आने वाले डेकेड का टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। अभी IT इंडस्ट्री में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं जिसमें AI एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी कोई भी लिस्टेड कंपनी AI में कोई भी मेजर काम नहीं कर रही, बट US में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon और काफ़ी कंपनीज AI की रेस में आगे बढ़ने में लगी हुई हैं। AI के आने से जॉब लॉसेस तो डेफिनेटली होंगे, बट कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड एम्प्लॉई कॉस्ट्स कम होंगे। और दूसरी बात, AI कंपनीज की काफ़ी हेल्प करेगा बेटर प्रोडक्ट्स बनाने में, चाहे AI Apple वॉचेज़ में इंप्लीमेंट किया जाए या टेस्ला की गाड़ियों में। एनीवे, यहाँ 100 बात की एक बात ये है कि US की टेक इंडस्ट्री का अभी बहुत ब्राइट फ्यूचर है एंड XL के ETF में US की 68 कंपनीज हैं जो टेक की फील्ड में काफ़ी डोमिनेंट है। ये एक बहुत ही चीप ETF है एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी लो है। अगर आप US टेक कंपनीज में किसी इंडियन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1% या उससे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा, बट अगर आप XL के ETF में डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो ये एक्सपेंस रेशियो 0.1% यानी 10 गुना कम हो जाएगा। XLK में इन्वेस्ट करना है या नहीं और कैसे करना है, ये प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए। इनफैक्ट इसके लिए आपको एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट भी करना चाहिए। मेरी लिस्ट में तीसरा म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के काफ़ी रीजंस हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इंडिया के फ्यूचर लार्ज कैप्स का एक्सपोजर। आज से 10 साल बाद ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 50 इंडेक्स का जो कॉम्पोजिशन आज है वही सेम हो। इस लिस्ट में काफ़ी न्यू कंपनीज ऐड होने वाली है एंड शायद वो कंपनीज आज एग्जिस्ट भी ना करती हों एंड ये हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन सी कंपनीज होंगी। ये फ्यूचर कंपनीज निफ्टी 50 मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स से प्रमोट होकर निफ्टी 50 में अपनी जगह बनाएंगी। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हैं, अगर वो बैंकक्रप्ट भी हो जाएं, जो कि अक्सर हो भी जाता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में से काफ़ी सारे मल्टी बैगर्स भी निकलने वाले हैं जिनकी वजह से ये इंडेक्स ओवरऑल ऊपर ही जाता रहेगा। अगर इसे निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो ये एक हाई रिस्क एंड हाई वॉलिटिलिटी वाला इंडेक्स है, बट मेरे जैसे एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये 10% या उससे ज़्यादा वेटेज आराम से ले सकता है। और तो और, इंडिया अभी एक बुल रन में है तो ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्मॉल कैप फंड्स को ही होता है। अगर कोई इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है एंड वो मार्केट मूवमेंट को टाइम कर सकता है, तो स्मॉल कैप के इंडेक्स पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूजुअली स्विंग
ट्रेड्स भी करते हैं। इसका मतलब लो पे खरीदना एंड हाई पर बेचना। बट क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। एंड मेरी स्ट्रेटजी बाई मोर ऑन लोज एंड बाई लेस ऑन हाईज वाली ही रहती है। इसका मतलब ये है कि लो एंड हाई दोनों पॉइंट पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन लो पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ एंड हाई पे अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देता हूँ। स्मॉल कैप इंडेक्स के अलावा मैंने कुछ एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। इस लिस्ट में अगला इंडेक्स फंड है S&P 500 इंडेक्स फंड। इसमें इन्वेस्ट करने का मेन रीज़न है US इकोनॉमी का एक्सपोजर एंड डॉलर ग्रोथ का फ़ायदा। अगर आप बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी बहुत ज़्यादा डी डॉलराइजेशन की बातें चल रही हैं एंड टॉप कंट्रीज चाहती हैं कि USD, जो कि वर्ल्ड की अनऑफिशियल करेंसी है, उसकी डोमिनेंस कम कर दी जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट अगले 10 सालों में। US डॉलर एक बहुत ही स्टेबल एंड रिलायबल करेंसी है एंड US का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। इस वजह से USD पे लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा हाई है। UAE की दिरहम्स, यूरोज एंड ब्रिटिश पाउंड भी कुछ और ऐसी करेंसी हैं जिन पे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दोनों का ट्रस्ट काफ़ी हाई है। चाइना और रशिया जितना चाहे अपनी करेंसी को पिच करना, एक डिक्टेटरशिप होने के नाते एंड बाकी दुनिया के साथ खराब रिलेशनशिप्स की वजह से इन दोनों कंट्रीज़ की करेंसीज कभी भी USD के ट्रस्ट को मैच नहीं कर पाएंगी। मैं ऐसा बिल्कुल चाहता हूँ कि इंडियन रुपीज़ की ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ती जाए एंड INR एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बन जाए। बट इंडियन स्टॉक मार्केट में तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ एंड मुझे थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहिए, तो उसके लिए मेरा फेवरेट फंड है S&P 500 इंडेक्स फंड, जिसमें मैं वेस्टेड जैसे ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ। S&P 500 में US की टॉप 500 कंपनीज है एंड ये लिस्ट पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। US एक बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी है जहाँ की कंपनीज वर्ल्ड वाइड डोमिनेट करती हैं। इस लिस्ट में टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल भी हैं, FMCG जैसे कोक या पेप्सी एंड स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनीज जैसे बोइंग एंड नेटफ्लिक्स, ये भी इंक्लूडेड हैं। इन कंपनीज एंड इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेने के लिए मैं S&P 500 में इन्वेस्टेड हूँ एंड एक रेगुलर सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। डॉलर ग्रोथ को एक्सक्लूड करके S&P 500 ने पिछले 10 सालों में लगभग 10% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। US म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फॉरेक्स फीस एंड टैक्सेशन अच्छे से समझना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप अपने CA से ज़रूर कंसल्ट करना। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक अर्ली रिटायरमेंट एंथुजियास्ट हूँ एंड मेरी रिटायरमेंट स्ट्रेटजी में डिविडेंड पेमेंट्स का एक मेजर रोल होने वाला है। इंडिया में अभी बहुत कम कंपनीज़ हैं जो रिलायबली डिविडेंड्स पे करती हैं, बट US में ऐसी बहुत मैच्योर कंपनीज हैं जिनका डिविडेंड पे करने का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम ज़बरदस्त है। SCHD ETF एक ऐसा ETF है जिसमें US की सभी रिलायबल हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज है एंड इस डिविडेंड का एनुअल डिविडेंड यील्ड 3.5% का है। इसका मतलब हर $100 इन्वेस्ट करने पे आपको $3.5 मिलते रहेंगे। बट यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ तीन और एडिशनल बेनिफिट्स हैं। पहला ये कि डिविडेंड हर साल ग्रो करता रहता है। दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट इंडेक्स की स्पीड से ग्रो करती रहती है। एंड SCHD ETF ने S&P 500 इंडेक्स को बीट किया है पिछले 10 सालों में। एंड थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको डॉलर ग्रोथ का भी बेनिफिट मिलता रहेगा। इसलिए मेरी रिटायरमेंट स्ट्रेटजी में SCHD एक हैवी वेट फंड है एंड मेरे US पोर्टफोलियो का अराउंड 20% होने वाला है अगले कुछ सालों में। एंड इसी के साथ मेरे टॉप 5 फेवरेट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट होती है ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको लगता हो कि मुझे किसी और ETF को कवर करना चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मैं आपसे जल्द मिलूँगा। जय हिंद।